नोटबंदी ने बिहार में ली एक महिला की जान। सहरसा में बैंक की लाइन में खड़ी महिला चक्कर खाकर गिरी, अस्पताल जाने से पहले तोड़ा दम। सतारा में चेकिंग के दौरान होंडा सिटी कार से 60 लाख के पुराने और नए नोट जब्त, दोनों आरोपी कोल्हापुर के रहने वाले। गुड़गांव के पास बिलासपुर में हाईवे पर चेकिंग के दौरान दो गाड़ियों से 15 लाख कैश बरामद, दो लोग हिरासत में। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में कैश नहीं होने पर गुस्साए लोगों ने बैंक में जड़ा ताला, जमकर हंगामा किया। लखीमपुर खीरी में कैश के लिए एटीएम में मची भगदड़, भीड़ में लोगों ने तोड़ा शीशे का दरवाजा। नोटबंदी के खिलाफ पटना में जन अधिकार पार्टी रेल रोको अभियान, पप्पू यादव की अगुवाई में समर्थकों ने रोकी रेल। मधेपुरा में भी पप्पू यादव के समर्थकों ने नोटबंदी के खिलाफ किया चक्का जाम, कई ट्रेनों को जबरन रोका। जन अधिकार पार्टी के लोगों ने नोटबंदी के खिलाफ बाढ़ में भी किया चक्का जाम, पटना मोकामा रेल मार्ग पर 1.5 घंटे तक यातायात बाधित। नोटबंदी के खिलाफ लुधियाना में प्रदर्शन, आरबीआई दफ्तर के बाहर लोगों ने की नारेबाजी। अजमेर में चेकिंग के दौरान ट्रेन से 5.5 लाख के नए नोट जब्त, एक शख्स गिरफ्तार। दो करोड़ से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों को मिलेगी राहत, 8% आमदनी के बजाय 6% आमदनी पर देना होगा टैक्स। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा नोटबंदी को लेकर थी पूरी तैयारी, बोले आरबीआई के पास पर्याप्त मात्रा में थी करेंसी, अब भी है पर्याप्त नोट। पुराने नोटों को जमा कराने के लिए नए नियम ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल, 5000 से ज्यादा रकम जमा करने पर देना पड़ रहा है सवालों का जवाब। पुराने नोटों को जमा करने को लेकर जबरदस्त कंफ्यूजन, कई शहरों में 5000 से ज्यादा डिपॉजिट नहीं कर रहे बैंक। पुराने नोट जमा कराने के नए नियम को लेकर कांग्रेस का वार, राहुल गांधी बोले प्रधानमंत्री के कपड़ों की तरह बदल रहे आरबीआई के नियम। दिल्ली के गीता कॉलोनी में निर्दयी बनी मां, घर के अंदर मासूम बच्चे की बेरहमी से पिटाई करते हुए कैमरे में कैद। बहू की हरकतों से तंग आकर दादी ने घर में लगवाया था सीसीटीवी, महिला आयोग में शिकायत के बाद दर्ज हुआ मामला। आज सुबह मुंबई में एयर इंडिया की बिल्डिंग में आग से अफरा तफरी, अभी नुकसान का अंदाजा नहीं। त्रिपुरा विधानसभा के अंदर हैरान कर देने वाला नजारा, अध्यक्ष की गदा लेकर सदन से भागा तृणमूल विधायक। देहरादून में शराब के नशे में धुत युवक युवती का सड़क पर ड्रामा, बाद में थाने में जाकर भी हंगामा। चंडीगढ़ निकाय चुनाव में बीजेपी का बजट डंका, 26 में से 20 सीटों पर जमाए कब्जा, समर्थकों ने मनाया जश्न। निकाय चुनाव में हार के बाद कांग्रेस उम्मीदवारों ने चुनाव दफ्तर का किया घेराव, चुनाव में धांधली का लगाया आरोप। हरदोई में बीजेपी की परिवर्तन रैली में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने नोटबंदी के फैसले का किया गुणगान, राहुल पर जमकर साधा निशाना। गुजरात के मेहसाणा में कल होने वाली जनसभा से पहले राहुल गांधी के फाड़े हुए पोस्टर, पाटीदारों में नाराजगी का अंदेशा। चेन्नई में समर्थकों ने तैयार की 68 किलो की जयलता के आकार की इडली, मरीना बीच पर जयलता मेमोरियल के पास रखकर की पूजा। अमेठी में कोहरे के कारण स्कॉर्पियो टैंकर में भिड़ंत, हादसे में 2 महिला समेत 4 लोगों की मौत। आजमगढ़ में एक युवती से गैंगरेप की कोशिश, लड़की की चीख सुन परिजनों ने लाठी डंडों से लैस, देख भागे बदमाश। बाराबंकी में सरकारी दफ्तर में तैनात चपरासी की बेरहमी से हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। फिरोजाबाद में अवैध हथियारों की तस्करी करते पकड़ा गया एक शख्स, 12 पिस्तौल बरामद। स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए सोनभद्र में पंचायत का अनोखा फैसला, खुले में शौच करने वालों का सामाजिक बहिष्कार करेंगे। अखिलेश ने लखनऊ में राम मनोहर रोहिया अस्पताल में नई परियोजनाओं की रखी आधारशिला, सरकार के कामकाज का बखान किया। यूपी में चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में बगावत, देवरिया में टिकट नहीं मिलने से नाराज, जिला पंचायत सदस्य ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इलाहाबाद में एसपी के बाहुबली नेता अतीक अहमद के गुर्गों पर कसा शिकंजा, 2 की गिरफ्तारी, 3 गुर्गों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। देवरिया में भोजपुरी फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंचे कलाकारों को छोड़ फरार हुआ प्रोड्यूसर, बिल नहीं चुकाने पर 12 दिनों से होटल में कैद।
लखीमपुर खीरी में मिल मालिक से 50 लाख की फिरौती मांगने वाला बदमाश गिरफ्तार, फिरौती नहीं देने पर बम से उड़ाने की दी धमकी। मेरठ में लापता कारोबारी का शव मिलने पर बवाल, गुस्साए कारोबारियों ने जमकर हंगामा किया। मथुरा में मालकिन को मौत के घाट उतार, घर से कैश और जेवर लेकर फरार हुआ नौकर, घटना के वक्त घर में अकेली थी महिला। मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेस वे पर गिट्टी से भरा ट्रक पलटा, हादसे में एक की मौत, एक बुरी तरह घायल। फतेहपुर में रेप की शिकार नाबालिग और उसके परिजनों को मिली जान से मारने की धमकी, आरोपियों ने केस वापस लेने को कहा। मथुरा में पुलिस के हत्थे चढ़ा 1.25 लाख का इनामी बदमाश, शेर खान की कई राज्यों की पुलिस कर रही थी तलाश। मुजफ्फरपुर में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने 3 घंटे तक हाईवे बंद रखा। पटना में चेकिंग के दौरान कार में बैठकर शराब पी रहे 3 लोग पुलिस के हत्थे चढ़े, खुद को बताया वेटनरी डॉक्टर। मोतिहारी में पुलिस के हत्थे चढ़ा शराब तस्कर, हरियाणा और बंगाल से शराब लाकर बिहार में करता था सप्लाई। सुपौल में भारत नेपाल सीमा पर गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम, नेपाल पुलिस पर उगाही और मारपीट का आरोप। गया के इमामगंज में अनोखा यज्ञ, घरों से मिर्ची लाकर हवन कुंड में डालते हैं ग्रामीण, लोगों के मुताबिक मिर्ची के धुएं से इलाके में लौटेगी शांति, मुख्य धारा में जुड़ेंगे नक्सली। जहानाबाद में स्वास्थ्य सेवाओं की खुली पोल, सदर अस्पताल में नसबंदी ऑपरेशन के बाद महिलाओं को जमीन पर लिटाया गया। खगड़िया से अगवा कारोबारी को पुलिस ने कराया रिहा, घर वालों से मांगी गई थी 15 लाख की फिरौती। फल्गु नदी किनारे पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए लोग कर रहे हैं पिंडदान, मकर संक्रांति तक चलेगा सिलसिला। रामगढ़ में बिजली सब स्टेशन में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, कई इलाके में बत्ती गुल। लातेहार में पुलिस को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ के दौरान भारी मात्रा में हथियार के साथ 2 नक्सली गिरफ्तार। बारा में पति को बंधक बनाकर महिला से रेप, पुलिस ने दर्ज किया मामला, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। भरतपुर में कॉलेज प्रबंधन की मनमानी के चलते खुले आसमान में छात्रों को पढ़ाने को मजबूर, प्रोफेसर, हाईकोर्ट ने तबादले पर लगाई रोक। धौलपुर में 5 साल के मासूम को अनाथालय में छोड़कर फरार हुई मां, बच्चे के दिव्यांग पैदा होने से थी दुखी। प्रतापगढ़ में खुला आयकर विभाग का दफ्तर, उद्घाटन के मौके पर आला अधिकारी की दिखी मौजूदगी। उदयपुर में सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में आया नया मेहमान, शेरनी महक ने मादा शावक को दिया जन्म। भोपाल में बीजेपी नेता सुशील वासवानी के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने दी दबिश, घर और दफ्तर पर छापे मारे। जबलपुर में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने निकाला मार्च, एसपी दफ्तर का किया घेराव। सतना में आवारा जानवरों से परेशान किसानों ने प्रशासन को जगाने के लिए पशुओं को स्कूल में छोड़ा, बच्चों की पढ़ाई चौपट। शिवपुरी में रेत माफियाओं पर कसा शिकंजा, अवैध खनन में लगे 18 डंपर जब्त। पन्ना में गांव में पुलिस ने पकड़ी गांजा की अवैध खेती, गांजे के सैकड़ों पेड़ नष्ट किए गए, 3 लोग गिरफ्तार। संगरूर में पंजाब के वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींढसा के आवास के बाहर, किसान ने खाया जहर, कर्ज माफी के लिए धरने पर बैठा था, अस्पताल में हालत नाजुक। गुरदासपुर में बेकाबू कार ने बुजुर्ग को कुचला, लोगों की भीड़ देखकर गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जाने को कही बात, रास्ते में दम तोड़ने पर फेंक कर फरार हो। कोयंबटूर में मानवता को शमशार कर देने वाली घटना, लूटपाट के बाद 83 साल की बुजुर्ग महिला से रेप के बाद हत्या। हैदराबाद में नवजात को 50,000 में बेचने की कोशिश करती गिरफ्तार हुई महिला, पुलिस को दलाल की तलाश। अलवर में चोरों ने पंजाब नेशनल बैंक को बनाया निशाना, स्ट्रांग रूम तोड़कर 9.5 लाख कैश लेकर फरार। यमुनानगर में पुलिस की गाड़ी ने एक युवक को कुचला, आईसीयू में भर्ती युवक की हालत गंभीर। सोनीपत में 4 नवंबर को हुए डबल मर्डर केस में बीजेपी का स्थानीय नेता गिरफ्तार, 2 और आरोपियों की तलाश जारी। फरीदाबाद में चोरी के 22 तोले सोना और आधा किलो चांदी के साथ पकड़ा गया चोर, पुलिस को बताया कर्ज उतारने के लिए लिया चोरी का सहारा। कुरुक्षेत्र में दिव्यांग और महिलाओं से मारपीट मामले में हरियाणा महिला आयोग ने पुलिस को भेजा नोटिस, वीडियो वायरल होने के बाद 4 पुलिस वाले सस्पेंड। राजस्थान के अलवर में दलित झोला छाप डॉक्टर के घर पर दबंगों का कोहराम, मारपीट के बाद घर में लगाई आग। मणिपुर के इम्फाल में आज सुबह कई इलाकों में कर्फ्यू में दी गई ढील, कई जगहों अब भी तनाव।
केरल में सरकारी अस्पतालों में नर्सों की नियुक्ति की मांग को लेकर निकाला गया मार्च, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पिथौरागढ़ में सड़क बनाने की मांग को लेकर लोगों का हंगामा, घंटों लगाया जाम। बिपिन रावत के नए आर्मी चीफ बनने की खबर के बाद पौड़ी गढ़वाल में उनके पैतृक गांव में खुशी का माहौल, रिश्तेदारों के साथ गांव वाले भी गदगद। भरतपुर में बीती शाम एसपी दफ्तर के पास एक लड़की का हंगामा, राहगीरों पर फेंके पत्थर, पुलिस अपने साथ ले गई। वडोदरा के मकरपुरा इलाके में 13 साल की नाबालिग से गैंगरेप, रिश्ते के दो भाइयों पर अगार। मुंबई से सटे भयंदर में चपरासी को कंपनी का एमडी बनाकर करोड़ों की टैक्स चोरी करने वाला सीए गिरफ्तार, 3 साथी भी गिरफ्त में। अकोला में जिम्नास्टिक कोच पर नाबालिग खिलाड़ियों से यौन शोषण का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। झारखंड के गिरिडीह में एक बोलेरो से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, एक गिरफ्तार, दो पुलिस को चकमा देकर फरार। बिहार के कैमूर में भारी मात्रा में शराब बरामद, 6 लोग गिरफ्तार। मैनपुरी में छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने महिला की लाठी डंडों से की पिटाई, तमाशबीन बनी रही भी। इटावा में एक महिला टीचर का उसके घर में शव मिलने से हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पठानकोट में 3 दिन पहले अस्पताल से अगवा हुई बच्ची बरामद, सीसीटीवी में बच्ची को लेकर फरार हुई थी महिला चोर। गुरदासपुर में नोटबंदी के चलते हत्या, नए पुराने नोटों के लेन देन में 3 दोस्तों ने एक शख्स की ईंट से कुचलकर हत्या की। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में एक युवक की गला रेत कर हत्या, अब तक गिरफ्तारी किसी की नहीं। कोटा में सड़क किनारे सो रही मजदूर की बच्ची को बेकाबू करने कुछ नामासूम ने मौके पर दौड़ा दम। नोटबंदी और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ सवाई माधोपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन, वसुंधरा का फूका पुतला। चेन्नई में रजनीकांत की पत्नी के स्कूल में नोटबंदी के कारण टीचरों को सैलरी नहीं, सुपरस्टार ने खुद नोटबंदी का किया था समर्थन। यूपी के बिजनौर में 3 दिन पहले एक युवक की हत्या में 4 लोग गिरफ्तार, एक आरोपी की तलाश जारी। पश्चिम बंगाल के बिंदापुर में हाथियों के आतंक से परेशान लोग, घरों से निकलना हुआ दूभर। चेन्नई टेस्ट में इंग्लैंड पर भारत की दमदार जीत, पारी और 75 रनों से दी करारी शिकस्त। 13 शतक जड़ने वाले करुण नायर बने मैन ऑफ द मैच, जडेजा ने मैच में चटकाए 10 विकेट। अभिनेत्री करीना कपूर बनी मां, सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में बेटे को दिया जन्म, पिता बने सैफ गदगद। दंगल का प्रमोशन करने कोल्हापुर पहुंचे अभिनेता आमिर खान, आमिर की एक झलक पाने को बेताब दिखे लोग। आमिर ने मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले का स्वागत किया, कहा काले धन को बाहर लाने के लिए अच्छा कदम। दिल्ली में करावल नगर के पास नहर में गिरी बेकाबू कार, हादसे में एक शख्स की मौत। दिल्ली के मधुविहार में चोरी की घटनाओं का विरोध में कारोबारियों ने बंद रखी दुकानें, सड़क पर लगाया जाम। दिल्ली के मयूर विहार में असम की रहने वाली लड़की से शादी का झांसा देकर रेप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में एक युवक की संदिग्ध हालत में मिली लाश, पुलिस मामले की जांच में जुटी। जेएनयू के लापता छात्र नजीब की तलाश में आज भी कैंपस पहुंची दिल्ली पुलिस, जंगलों में किया ऑफ सर्च ऑपरेशन।